बलरामपुर नगर निकाय चुनाव अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राशिद अजीज और रानू कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार अपनी घोषणाओं के आधार पर जनता के बीच डोर टू डोर जनता से मिल रहे हैं और अपील कर रहे हैं। हाथ का पंजा चुनाव निशान पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। अगर वह नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव जीत जाते हैं तो जनता से किए हुए वादे बाघ घोषणा पत्र द्वारा, जो भी घोषणा पत्र में वादा लोगों से कर रहे हैं, वो सारी सेवाएं तुरंत लागू कराएंगे। बलरामपुर से संवाददाता संतोष कुमार दुबे की रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, आपका जनता के प्रति, विकास के प्रति क्या रुझान है? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं यूथ कांग्रेस का लोकसभा अध्यक्ष रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से जी। 2007 से सक्रिय सदस्य रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का। पिछले 7 महीनों से मैं जनता के बीच में घोषणा पत्र के माध्यम से नगर के विभिन्न मुद्दों को लेके, जैसे लेडीज टॉयलेट, ऑनलाइन पोर्टल पे दाखिल खारिज, परिवार रजिस्टर, जन्म प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र, छोटी छोटी सुविधाएं जो जनता, गरीब जनता से नोचा घसोटा जाता था, जैसे परिवार रजिस्टर के नाम पे हो रही लूट को मैंने कहा मैं ऑनलाइन करके 2 रुपये में निकलवाऊंगा। मैंने जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जो 1,000 रुपये, 2,000 रुपये लगते थे, मैंने कहा मैंने उसको ऑनलाइन पोर्टल पर कर दूंगा, मात्र 2 रुपये में निकलेगा। मैंने दाखिल खारिज का जो स्कैंडल बलरामपुर में बना हुआ है, मैंने कहा उसको तोड़ दूंगा, दाखिल खारिज ऑनलाइन पोर्टल पे होगा, घर बैठे पेपर अपलोड करिए, 40 दिन के अंदर आपका ऑनलाइन दाखिल खारिज हो जाएगा। और सर, नगर की साफ सफाई व्यवस्था के बारे में, नगर की आप देख रहे हैं कैसी है? बहुत बुरी स्थिति है, कूड़े पे मैंने जिला प्रशासन को भी अवगत कराया, जिला प्रशासन ने मेरे साथ विजिट किया, उन्होंने आश्वस्त किया कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट आपके पास है तो बताइए। तो कूड़ा रिसाइकिल का मेरे पास एक प्रोजेक्ट था, मैंने कंपनी से भी बात कराई, मैंने ऑलमोस्ट बात फाइनल कर रखी है, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, चेयरमैन बनते ही मैं कूड़ा रिसाइकिल करूंगा और जनता को कूड़े से निजात दिलाऊंगा। ये सर, जो छोटे छोटे ठेले वाले हैं, रेवड़ी वाले हैं, इन लोगों के बारे में आप अपने नगर क्षेत्र के अंदर क्या सुविधाएँ देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये चाहूँगा कि जाम न लगे, तो उसके लिए उनको पर्याप्त जगह दी जाए, उनको सही टाइमिंग दी जाए, टोकन व्यवस्था करना चाहिए। बहुत सी बातें हैं जो प्रशासन के साथ अगर पालिका अध्यक्ष बैठ के उसका समाधान निकाले तो काफ़ी हद तक जो छोटे, सबसे छोटे निचले दुकानदार हैं उनका भी निश्चित रूप से, उनके रोजी के लिए और उनके चलने के लिए, उनके खड़े होने के लिए कोई एक बढ़िया व्यवस्था हो सकती है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि आने वाले जो मतगणना होगी 13 मई को, उसमें कहा है कि सपा और बसपा और कांग्रेस, ये टाटा भाई हम फुल बहुमत से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो बहुत बड़े नेता हैं और बड़ी बड़ी बातें करना उनकी आदत है। ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। यहाँ बलरामपुर की जनता छोटे मुद्दों, लेडीज टॉयलेट, दरवाजे पे लाइट नहीं जल रही है, कूड़ा समय से नहीं उठ रहा है, ये इसका चुनाव हो। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।